साथियों, देश के लोगों का जीवन सुधरे, गरीबी कम हो, किसान की दिक्कतें कम हो, एक कांग्रेस कभी नहीं चाहती। कांग्रेस ने कर्ज माफी तो नहीं की, मोदी सरकार जो आपके खाते में, किसानों के खाते में पैसा जमा करना चाहती है, इसको भी ये भ्रष्ट सरकार रोक रही है। यहां एमपी के 84 लाख किसान परिवारों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा अब तक पहुंच जाना चाहिए था, उनके खाते में जमा होना चाहिए था। देश भर में करोड़ों किसानों का हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को ये लाभ नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि जो यहां भ्रष्ट सरकार है वो ऐसी निकम्मा काम कर रही है, ऐसा निकम्मा काम कर रही है कि अभी तक हमें किसानों की लिस्ट नहीं दे रहे, सूची नहीं दे रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि सूची देंगे, बैंक अकाउंट देंगे और मोदी सीधा पैसा देगा तो ये किसानों के सामने इनकी पोल खुल जाएगी। मुख्यमंत्री जी, मैं जानता हूं आप बहुत बिजी हैं, मैं जानता हूं चुनाव के बाद आपके लिए स्विट्जरलैंड जाना जरूरी था, आप बहुत बिजी है, बेटे को सेट करना है उसमें आपको बहुत काम है, आप बिजी है, आपके पीए पीए जो रहे हैं उनके घर नोटे के बोरे बच्चे निकले उनको बचाना है, इसलिए आप बहुत बिजी है। लेकिन किसी और को अफसर को दे दो, उनको बोलो कि भाई मोदी जी लिस्ट मांग रहे, दे दो, किसानों को पैसा मिल जाएगा। नहीं करेंगे। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, जब इस बार मध्य प्रदेश से आप भारतीय जनता पार्टी को सबकी सब सीटें जिता करके देंगे, 23 मई को चुनाव नतीजा आएगा और ये किसानों के भविष्य पर ताला लगाने वाली जो टोली है उनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, तब वो किसानों के नाम हमको भेजेंगे, वो लाइन में आ जाएंगे।